चलो देखो, लास्ट टाइम शीट नंबर A116 हम कंटिन्यू कर रहे थे। A116 इसके कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। ये क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन किया, और ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था। यहाँ से शुरू करना है हमने। एक बार प्लीज़ क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन प्लीज़ एक बार रीड करना खुद से। तो देखो, यहाँ से मेरे ख्याल से क्लियर है कि अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हैज अ रेडियस ऑफ आर एंड मास इज एम। तो डिस्क का रेडियस आर है, मास एम है। अ पार्टिकल ऑल्सो ऑफ मास एम इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट। तो ये एक पार्टिकल है जो कि इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमने एक छोटा सा फिक्स कर दिया, ए पॉइंट पर, ऑन द एज ऑफ द डिस्क एज शोन इन द फिगर। द डिस्क कैन रोटेट फ्रीली अबाउट हॉरिजॉन्टल कॉर्ड पी क्यू। पी क्यू एक कॉर्ड है। इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क घूम सकती है ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट, पी क्यू के अबाउट। ये पूरी की पूरी डिस्क नीचे गिरेगी, पी क्यू उसी पोजीशन पे रहेगा जहां ऑलरेडी है। एक बीच में कोई रॉड या कुछ डाल रखी होगी, कुछ भी डाल रखा है जिसमें से वैसे पलट सकती है। तो अब इस केस में द लाइन ए सी, ए सी लाइन है, इस परपेंडिकुलर टू पी क्यू दिखी रही है ये। तो इनिशियली डिस्क इज हेल्ड वर्टिकल विद अ पॉइंट ए एट इट्स हाइएस्ट पॉइंट। तो ए पॉइंट जो है वो एकदम हाइएस्ट पॉइंट पे है, और ये डिस्क ऐसे है। इट इज देन अलाउड टू फॉल सो दैट इट स्टार्ट रोटेट अबाउट पी क्यू। तो इस केस में इसको छोड़ दिया तो ये पलट के नीचे आया। तो आप देख सकते हो जो ए पॉइंट ऊपर था, ए पॉइंट कहां पर आ गया, नीचे आ गया, ठीक। एंड इट इज देन अलाउड टू फॉल सो दैट इट स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट पी क्यू। फाइंड लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज इट रीचेज द लोएस्ट पॉइंट। वैसे तो और भी घूम सकते हैं आगे की तरफ, पर हमें ये निकालना है कि इसकी लीनियर स्पीड वी कितनी है जब ये नीचे आया होगा। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। जब एक रॉड है, रॉड अपने एक्सिस पे हिंज्ड है, रॉड हम ऐसे गिरते थे ग्राउंड पे, हम कहते थे एम जी एच इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल गिव राइज टू इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होना है। तो पहले काम करेंगे, क्योंकि एक्सिस पी क्यू चल रहा है तो हम पी क्यू के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। तो पी क्यू के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये जो डायमीटर है, ये डॉट 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 डायमीटर है, डिस्क का डायमीटर अगर कंसिडर करें तो डिस्क के डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 1/4 एम आर स्क्वायर। और बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पी क्यू के अबाउट क्या हो जाएगा, 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू आर बाय 4 का होल स्क्वायर, जो कि सॉल्व करके क्या आएगा, 5/16 एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जिसमें जो यूज करने वाले हैं वो 5/16 एम आर स्क्वायर यूज करने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है इसमें। अब इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक पी क्यू, पी क्यू के अबाउट आ गया। अब पॉइंट मास भी इसमें इंक्लूडेड है। अभी तो मैंने सिर्फ डिस्क का ही निकाला है, पॉइंट मास का तो रह गया। तो पॉइंट मास का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कितना, आर प्लस आर बाय 4, तो 5r/4। तो डिस्क का ये जो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो रहेगा रहेगा, पॉइंट मास का एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, और पॉइंट मास का क्या होगा, m into 5r/4 का होल स्क्वायर।
तो पूरे क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो यूज होने वाला है वो 15/8 mR² यूज होने वाला है। पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तो अब एक्चुअल में तो स्टार्टिंग तो यहीं से है। तो देयर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, कैसे? तो अगर आप यहां से ध्यान से देखो, ए पॉइंट यहां से यहां आ गया, देखो अगर मैं इसको बिल्कुल साथ साथ जोड़ दूं तो ए पॉइंट की पोजीशन यहां से यहां पर मिलती है कहीं आके, ये देखो यहां पे, राइट। तो ए पॉइंट कितना नीचे आ गया, ए पॉइंट नीचे आ गया, ए ये जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस नीचे का डिस्टेंस और फिर यही डिस्टेंस नीचे की तरफ, ऑब्वियसली। कहने का मतलब, तो इसमें ये कितना है आर और ये कितना है R/4। तो अब जब ये पी क्यू के इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट इस पोजीशन को देखें तो आप देख सकते हो इसमें कि जो सी पॉइंट है वो सी डैश पे आ गया और ए पॉइंट कहाँ पर आ गया, ए डैश पे आ गया। मतलब सिंपल है कि आर प्लस आर बाय फोर का डबल हो गया और तो कुछ नहीं है नीचे की तरफ। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट? देखो इसमें एक और भी चक्कर है कि आर बाय फोर तो चलो जो है वो तो है ही है, एक्चुअल में दो बॉडीज अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर रही हैं। डिस्क तो कर ही रही है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो नीचे पलटा और साथ में पॉइंट मास भी नीचे गया, तो दो एनर्जीज होंगी ना इसमें। तो पॉइंट मास की जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, पॉइंट मास आर प्लस आर बाय फोर, 5R/4 नीचे आया तो 5/4 से ऊपर से ऑब्वियस उतना नीचे आया तो टू टाइम्स हो जाएगा, ट्वाइस करना पड़ेगा, 2 × 5R/4 एक। और जो डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर था, सी पे था एट अ डिस्टेंस ऑफ R/4, वो R/4 और नीचे आ गया, R/4 + R/4 कितना हो गया 2R/2, तो R/2 नीचे आएगा, 2 बाहर लिख लिया ना एंड में 2 से मल्टीप्लाई किया। तो किया क्या है इसमें, एम जी एच की है, एम जी हाइट पॉइंट मास की निकल गई, हाइट सेंटर ऑफ मास की निकल गई, तो और साथ में ट्वाइस इसलिए क्योंकि ये डिस्टेंस ए पॉइंट का होगा नीचे की तरफ ट्वाइस, सेंटर ऑफ मास का R/4 + R/4 होगा, तो एम जी एच का पॉइंट समझ में आ गया। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हो गई किसकी, पॉइंट मास की एज वेल एज सेंटर ऑफ मास की। और इससे क्या हुआ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ I ω² आई तो हमने पहले से निकाल ही लिया, हमें मालूम है क्या यूज करना है। इसको आगे सिंप्लीफाई किया, ओमेगा आ गया ओमेगा, और लेकिन हमने क्या निकालना है, हमने तो ए पॉइंट का वी निकालना है, टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालनी है, लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, पर आर क्या लें ये क्वेश्चन है। अब आर में क्या लेंगे, जो ए पॉइंट है, जो ए पॉइंट है उसका रेडियस क्या चल रहा है, पहले ये देखो, ये ए पॉइंट का एक्सेस है ये ना, ए पॉइंट कितने आर प्लस आर बाय फोर यानी कि 5R/4, तो वो कितने रेडियस में घूम रहा है, 5R/4, सिर्फ ए को देखा जाए तो, और हमारा क्वेश्चन ए पे है तो इसलिए वी इक्वल टू आर ओमेगा में आर की जगह क्या पुट करेंगे, 5R/4 × ω आंसर। ठीक, तो सही है क्वेश्चन, तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, ये मेरे ख्याल से ना ग्रेविटेशनल का डल गया क्वेश्चन बीच में, बीच दो क्वेश्चन शायद ग्रेविटेशन पढ़ ही लो जब कर ही रहे हो ग्रेविटेशन का, एक बार क्वेश्चन पढ़ना।
सेटेलाइट, एक ग्रेविटेशन का क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, सेटेलाइट इज पुट इन एन ऑर्बिट जस्ट अबव द अर्थ एटमोसफेयर और विद द वेलोसिटी ऑफ अंडर रूट ऑफ 1.5 टाइम वेलोसिटी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट एट एट दैट हाइट. तो वेलोसिटी आपको गिवन है इसमें, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी 1.5 रूट 2 टाइम ज़्यादा है. द इनिशियल वेलोसिटी इंपार्टेड इज हॉरिजॉन्टल, तो व्हाट वुड बी द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ व्हेन इट इज इन द ऑर्बिट. तो जब ये ऑर्बिट सैटेलाइट घूम रहा होगा तो अर्थ की तरह ही है, सन के आसपास जैसे अर्थ घूमती है, सैटेलाइट भी ऐसे घूमेगी इलिप्स में. तो एक चीज़ जो हमेशा कंजर्व रहेगी सैटेलाइट में और वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम. तो ये रूल तो लगना ही लगना है सैटेलाइट के लिए. तो एम वी आर का फॉर्मूला का मास तो सेम ही है सैटेलाइट का, तो यहाँ से V1 V2 की रेशियो आ जाएगी. दूसरी चीज़ जो हमेशा इन क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट होती है वो है टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट पर हाफ एम वी वन स्क्वायर और पोटेंशियल माइनस जी एम ए बाई आर वन, और फिर काइनेटिक में वी टू और आर टू. तो यहाँ से इन्हें वी टू और वी वन या वी वन वी टू की रेशियो पुट करके यहाँ से सॉल्व करके आंसर आएगा. और वेलोसिटीज आपको क्वेश्चन में गिवन है कुछ, कि वेलोसिटी वी वन जो है वो रूट 1.5 टाइम ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है इन जनरल वो क्या होती है, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर. तो यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो भी आपका कुछ आंसर निकालना है आपको, ठीक, मतलब इस एक क्वेश्चन डल गया था तो मैंने करवा दिया, अदरवाइज जरूरत नहीं है, इसको ग्रेविटेशन के अंदर ही देखेंगे. नेक्स्ट जो शीट है ये लास्ट टाइम दी थी मैंने, ओके, शीट नंबर A117, शीट नंबर A117 प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा आपको. शीट नंबर A117 में ये एडवांस की तो नहीं कहूँगा, बेसिक्स की शीट है वो, मैं शायद मिस कर गया इसे जब मैं रोटेशनल करवा रहा था. तो मतलब कॉन्सेप्ट तो डिस्कस किया हुआ है पर प्रैक्टिस शीट के अंदर शायद मैं डाल नहीं पाया इसे, या मुझे याद नहीं मैंने डाली हो, तो इसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. दो चार पॉइंट्स हैं इसके. पहली बात, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज सेट इन टू मोशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड विद अ लीनियर स्पीड वी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन. फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट द बॉटम मोस्ट पॉइंट ओ. तो टोटल एंगुलर मोमेंटम आपको इसका बताना है, रोल कर रहा है. मुझे कैसे पता लगा प्योर रोलिंग है, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा का फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, राइट. तो वी इक्वल टू आर ओमेगा प्योर रोलिंग का केस है, रोल कर रही है बॉडी बॉटम मोस्ट पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम निकालना है. ये हमने हाँ थ्योरी में किया था सर, याद आया जब शीट बना के दी थी कि एंगुलर मोमेंटम अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट ना निकाल कहीं और निकालना हो तो ये बताया था मैंने कि सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि मेरे को तो ओ के अबाउट निकालना है, तो जितना एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का होगा वो तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा एम वी आर भी होगा. ये एम वी आर किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास लीनियर ट्रांसलेशन मोशन की वजह से है. तो एम वी लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ऐसे. तो ये क्रॉस क्रॉस क्यों है, ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं वो क्यों, मैंने बताया था अगर व्हील ऐसे मूव कर रहे हैं तो टॉर्क की डायरेक्शन भी बोर्ड के अंदर है और एंगुलर मोमेंटम भी बोर्ड के अंदर है, तो मैंने बताया था ये तरीका. तो क्रॉस का मतलब है बोर्ड के अंदर है दोनों डायरेक्शन. तो एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है आई ओमेगा और प्लस क्या हो जाएगा एम वी आर. तो आपके पास ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी, I डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर है, ओमेगा वी बाई आर है, यहाँ से सॉल्व करके एल नॉट कैन बी कैलकुलेटेड. तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, और ये एक सिंपल क्वेश्चन है. इसमें मुझे पता नहीं, ये भी मैंने शायद किया डिस्कस नहीं किया, नहीं इसमें जरूरत नहीं है, वैसे बता दिया मैंने डायरेक्शंस के लिए, कल को पूछ सकते हैं वो, क्योंकि जितने कॉम्पिटिशन क्वेश्चन डायरेक्शन के साथ ही आते हैं, ठीक. तो टू पार्टिकल ईच ऑफ मास एम आर अटैच टू अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ डी. अच्छा, ये रॉड है जिसकी लेंथ डी है, एंड वन एट इट सेंटर एंड अदर एट फ्री एंड. तो एक सेंटर पे और एक फ्री एंड पे है, तो दो पार्टिकल्स हैं और रॉड को फिक्स किया गया, इसको घुमाया गया इस ओमेगा के साथ. कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट द एंड विद रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल एट द सेंटर. तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है एंड का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर वाले से. तो एंगुलर जो जो ए पार्टिकल है उसका रेडियस क्या है डी बाई टू, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी वी क्या है यहाँ पर आर ओमेगा, आर ओमेगा में डी बाई टू ओमेगा. और आखिरी वाला जो है बी वाला पार्टिकल है इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है डी ओमेगा, तो डी बाई टू ओमेगा और डी ओमेगा. तो रिलेटिव वेलोसिटीज की क्या हो जाएगी बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, दोनों को क्या कर लिया माइनस कर लिया. और हमने क्या निकालना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हमने इसमें कौन सी वेलोसिटी पुट कर देनी है जो हमने ऊपर से रिलेटिव वेलोसिटी निकाली, तो ऑटोमेटिकली एंगुलर मोमेंटम भी ऐसे आ जाएगा. या ऐसे कर लो एंगुलर मोमेंटम बी का निकाल लो,
एम वी आर वाला फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम ए का निकाल लो, दोनों को माइनस कर लो, बात एक ही है, ठीक, वो तो एक ही बात है। और ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इसको आप एक बार घर से देख लेना, आई वन ओमेगा वन, आई टू ओमेगा टू, ये भी डिस्क वाला क्वेश्चन किया हुआ है। डिस्क के ऊपर अगर डिस्क रख दी जाए तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ये किया हुआ है हमने। और इसके अंदर ये भी हमने किया हुआ है, ऐसा नहीं किया, इसमें बता देता हूँ, पोलर आइस कैप्स कंटेन्स अबाउट 2.3 × 10^10 kg ऑफ आइस, आइस है, और दिस कॉन्ट्रीब्यूट असेंशियली नथिंग टू द मोमेंट ऑफ एनर्शिया बिकॉज इट इज लोकेटेड एट द पोल्स एंड क्लोज टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। कह रहे हैं ये सारी की सारी आइस ऑलमोस्ट पोल्स पे जमी हुई है। एस्टिमेट चेंज इन लेंथ ऑफ द डे टू बी एक्सपेक्टेड इफ द पोलर आइस कैप मेल्ट, तो आइस जब मेल्ट हो जाएगी तो ऑब्वियसली मास जो है वो क्या हो जाएगा, मास तो जो आइस जब, देखो आइस अभी पोल्स पे है तो मोमेंट इनर्शिया में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही पोल्स के ऊपर, क्योंकि अगर एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट मास या मास है, अर्थ के सामने आइस पॉइंट मास ही है, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लेकिन बाद में क्या होगा, वो पिघल जाएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो जिससे ओमेगा की वैल्यू कम हो जाएगी। ये वैसे ही है जैसे अर्थ श्रिंक कर गई या अर्थ का मास अगर बढ़ गया, तो रूल तो वही लगेगा, आई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा टू। तो ये आपको एक बार खुद करना है, एक बार कर लेना है यहाँ से, और इसमें बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करना है, आइस का भी आपने इसमें ऐड कर देना है, और आइस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करने के लिए देखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है यार, आइस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाएंगे क्या, अर्थ का तो पहले अर्थ का 2/5 mr² डन है, बाद में भी अर्थ का 2/5 mr², अर्थ को तो कुछ हुआ नहीं, आइस कॉन्ट्रीब्यूट करेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। आइस कहाँ पिघल के आ जाएगी, सरफेस, सरफेस के ऊपर, शेल की तरह काम करेगा, शेल अंदर नहीं जाएगी, तो अंदर नहीं जाएगी तो 2/3 mr², छोटा m का मतलब मास ऑफ आइस है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, नहीं तो बंदा सीधा ही ऐड कर देता है कभी कभी, ठीक। तो इसमें बाकी नेक्स्ट इजी है, नेक्स्ट वो खुद करना एक बार, ये भी क्लास में किया हुआ ऐसा कि वो पार्टिकल चलता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे है, हाँ मुझे एक बार ये एक बार दिखाना था इसका मैथमेटिकल पोर्शन, ये एडवांस में हुआ क्वेश्चन था कभी, कि अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर। एक प्लेटफॉर्म है हॉरिजॉन्टल और एक्सिस उसके सेंटर से पास कर रहा है, एंड अ टॉर्टोइस इज सिटिंग एट द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म, नाउ द प्लेटफॉर्म इज गिवन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। तो ये प्लेटफॉर्म है हॉरिजॉन्टल, ये इसका एक्सिस है और ये टॉर्टोइस है टी, और ये ऐसे मूव करता हुआ यहाँ से यहाँ आएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी कितनी थी, ओमेगा नॉट। व्हेन द टॉर्टोइस मूव्स अलोंग द कॉर्ड ऑफ द प्लेटफॉर्म, अच्छा कॉर्ड आई एम सॉरी, तो डायमीटर के लॉन्ग नहीं मूव कर रहा, वो एक कॉर्ड के लॉन्ग मूव कर रहा है, टी नॉट कॉर्ड के लॉन्ग मूव कर रहा है, सो विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और विद क्वेश्चन मिसिंग था इसको कंप्लीट किया है, विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म कैसे चेंज होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये टॉटवाइज, जैसे ये रिकॉर्ड ले लिया, ये सेंटर ले लिया, ये ज़्यादा आसान है, तो ये डिस्टेंस ना, क्योंकि डिस्क का जो भी मोमेंट इनर्शिया है वो तो रहेगा रहेगा, जितना ज़्यादा पास आता जाएगा एक्सिस के, क्योंकि इस तरीके से वो और पास और पास और पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे पास आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम होती जाएगी, आई कम करता जा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर क्या हो गया, टॉटवाइज और दूर चला गया तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई जब कम हो रहा होगा ओमेगा बढ़ जाएगा, आई अगर मान लो क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया क्योंकि टॉर्टोइस दूर जा रहा है, एक्सिस डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ओमेगा कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो पहले ओमेगा बढ़ेगा फिर ओमेगा कम होगा, तो आई इनटू ओमेगा इज अ कांस्टेंट। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़, एक कन्फ्यूजन ये रहे, देखो ए ग्राफ नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, कन्फ्यूजन होती है सी और डी में, क्योंकि दोनों वेरिएशन एक जैसी लग रही है, लीनियर होगा या लीनियर नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। देखो ना, ये तो समझ में आ गया कि बढ़ रहा है और फिर कम होगा, दोनों में कम और ज़्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो बस ये बताना है कि इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो कुछ ऐसा बनेगा, जिसके अंदर ये टॉटवाइज है, ये देखो ये s इक्वल टू vt से यहाँ डिस्टेंस कवर कर चुका, तो अब इसका बचा हुआ डिस्टेंस कितना रह गया, r नहीं, r माइनस vt नहीं होगा, r माइनस vt होगा, ठीक है, तो r एक्चुअली मैं सेंटर ये देख रहा था, तो ठीक है, तो यहाँ से r माइनस vt हो गया, तो एक्चुअल में ये डिस्टेंस भी तो r ही होगा ना, राइट, तो वो डायमीटर कॉर्ड से चला है, तो चलो मैं कहता हूँ नहीं भी वो आर माइनस वी टी, वैसे इसमें मुझे थोड़ा डाउट सा लग रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, और ये कॉर्ड है ना, कॉर्ड में अगर मैंने ये वी टी लिया तो ये क्या डिस्टेंस आर माइनस वी टी होगा, नहीं होगा ना, मैं ठीक सोच रहा हूँ,
हाँ मैं ठीक सोच रहा हूँ, तो आर माइनस बी टी मुझे गलत लग रहा था, तो मैंने कर तो दिया, ये आर है, ये डिस्टेंस डायमीटर वाला आर होगा, नीचे से चेंज हो जाएगा, राइट? तो ये गलत है, प्लीज जो भी होगा मैं कहता हूँ आर माइनस बी टी, आर तो कॉन्स्टेंट ही है ना, सम कॉन्स्टेंट इंटू बी टी कर लेना। मतलब मुझे ये बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चलो जो चेंज हो रहा है हो रहा है, इसमें स्मॉल आर की वैल्यू, जैसे मान लो ये ए है, कोई भी डिस्टेंस ए है, और ये कोई मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला पाइथागोरस से निकलेगा, दैट इज ए स्क्वायर, ये तो कॉन्स्टेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस के अंदर क्या आएगा, ये कोई ऐसी रेशियो आ जाएगी जो भी आनी होगी, वी टी की फंक्शन में किसी भी एंगल से लीनियर नहीं दिख रहा। लीनियर के लिए यार कैसे दिखेगा, एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई दिखेगा लीनियर में, या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दिखेगी कुछ, यहाँ से तो आने वाली है नहीं। बस यही से पता लग रहा है कि वो लीनियर ग्राफ नहीं है, तो कर्व वाला ग्राफ मार्क करना है, ठीक? ये कोलिजन वाला केस हमने किया हुआ है, कोलिजन वाला केस क्लोज करते हैं ऐसे। तो इसके बाद 118, तो जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो असाइनमेंट नंबर 118 का प्रिंट आउट लेंगे प्लीज। देखो इम्पल्स जे को इम्पल्स किया हमने, और इम्पल्स जे लगाया हमने बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे लगाया, तो रोलिंग नहीं करवा सकता, रोटेट कैसे करवाएगा, सेंटर ऑफ मास पे उठा के या स्टिक लगा रहे हो, खिसटती हुई बॉल जा सकती है। तो इम्पल्स जे इज अप्लाइड ऑन द रिंग ऑफ मास एम अलॉन्ग द लाइन पासिंग थ्रू इट सेंटर ओ, द रिंग इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल रफ हॉरिजॉन्टल, हाँ फ्रिक्शन है वो, आप चाहते हो कि वो स्लाइड करे नीचे, फ्रिक्शन है वो उसे रोल करवा देगी, वो बात अलग है, तो फ्रिक्शन टॉर्क जनरेट करवा सकती है। लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिंग वंस इट स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इज व्हाट, तो वी बताना है। तो इनिशियली क्या हुआ, जैसे ही आपने वो इंपल्स लगाया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने दी वी नॉट, जैसे कल किया था हमने, थोड़ी देर के बाद रोलिंग में आ गया और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी, तो इस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करेगा, ठीक? तो इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऐसे केस में लास्ट टाइम किया था क्या करते हैं, सेम। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल क्या था, एम वी नॉट आर, इस एक्सिस के अबाउट एम वी नॉट इंटू आर, और इसके अबाउट क्या होगा, एम इंटू वी इंटू आर, क्योंकि अब वी नॉट की जगह वेलोसिटी वी में शिफ्ट हो जाएगी जब वो रोलिंग स्टार्ट कर देगा, और प्लस अब वो रोलिंग रोटेशन भी स्टार्ट कर दिया, पहले रोटेशन तो कर नहीं रहा था, तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई टाइम्स ओमेगा। और क्योंकि ये जो बॉडी है इसमें आई का मतलब इसके पैर में लिख लेना, जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, आई स्टैंड फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, ये जो कॉम्पोनेंट होता है वो
सेंट्रा मास के अबाउट लिया जाता है, तो लिख लेना आई सेंट्रा मास। तो इसका रिंग का सेंट्रा मास का एम आर स्क्वायर होगा, और रोलिंग के अंदर वी कैन यूज ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, तो रोलिंग के लिए ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। तो यहाँ से वी नॉट और वी का क्या आ गया, रिलेशन आ गया, वी इज इक्वल टू वी नॉट बाय टू आ गया। तो जे क्या हमने शुरू में दिया था, जे का मतलब इम्पल्स है, इम्पल्स नॉर्मली आई से भी लिखते हैं और जे से भी लिखते हैं, ज़्यादातर बुक जे से लिखती हैं। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था बॉल का रेस्ट पे, और एकदम आपने कितना दे दिया एम इंटू वी नॉट, झटका लगाया और एम इंटू वी नॉट, चेंज इन मोमेंटम एम वी नॉट माइनस जीरो इज एम वी नॉट इज इक्वल टू जे। वी नॉट को उठा के ऊपर पुट करो आंसर, ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक। सो नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, रॉड ऑफ लेंथ एल, एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है एल है, स्लाइड्स डाउन अलॉन्ग एन इंक्लाइंड वॉल, जैसे इसमें शो किया जा रहा है, एट द इंस्टेंट शोन द स्पीड ऑफ एंड ए इज वी, एंड ए की स्पीड वी है, एंड देन द स्पीड ऑफ एंड बी विल बी इक्वल टू वॉट, तो यहाँ पे बी की स्पीड आपको निकालनी है क्या है। तो इस केस में मान, ये तो मैं लास्ट टाइम किया था क्वेश्चन यार, सेम हाँ, तो हमने किया था ऐसा क्वेश्चन कि ये वी का एक कॉम्पोनेंट ले लो, ये थीटा, तो ये थीटा वी कॉस थीटा, और ये भी कॉस थीटा, और रॉड के अलॉन्ग वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट हमेशा सेम, तो दिस इज इक्वल टू दिस कॉम्पोनेंट आंसर, ठीक है ना। यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना प्लीज।
पहली चीज़ ये कि अ व्हील इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग में व्हील जा रहा है ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, द सेंटर ऑफ द व्हील इज रोटेटिंग एंड मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ वी नॉट, एंड कंसिडर अ पॉइंट पी ऑन द रिम विच इज एट अ टॉप एट अ पॉइंट टी इज इक्वल टू जीरो, द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द पी इज प्लॉटेड अगेंस्ट टी, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द व्हील, तो करेक्ट ग्राफ क्या होगा? तो पहली बात तो इसमें एक हाँ करेक्शन ये भी करनी पड़ेगी, जो रोटेशन हो रहा है ना उसमें पी पॉइंट की वेलोसिटी टेंजेंशियल भी वी नॉट है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा इसमें, मैं लिखना भूल गया, इसमें रोल कर रहा है आप, नहीं तो यहाँ की वेलोसिटी निकाल नहीं पाओगे, मतलब आंसर मैच नहीं कर पाओगे मेरे कहने का मतलब। तो बेसिकली इसमें गिवन करना कि पी पॉइंट की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की तो वी नॉट है ही है, पी पॉइंट की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की तो वी नॉट है ही है, ट्रांसलेशन तो है ही है, और रोटेशन की वजह से भी इस पॉइंट पर वी नॉट है, रोटेशन की वजह से भी वी नॉट है, पी पॉइंट की वेलोसिटी, ये गिवन करना, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। वो क्यों? क्योंकि अगर ये वी नॉट है और रोटेशन का कंपोनेंट भी वी नॉट है, वी नॉट है, तो उस केस में मान लो ये थीटा एंगल ले लेते हैं एक मिनट के लिए, कुछ भी अज्यूम कर लो, ये थीटा कर लो, ये थीटा कर लो, आपकी मर्जी है, ये थीटा थीटा सेम हो गया, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो गया, तो नेट वेलोसिटी पी पॉइंट पर क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर टू वी नॉट कॉस थीटा। और अगर मैं यहाँ वी ना लेता, ये वाला वी नॉट ना लेता, फिर क्वेश्चन में वी अटक जाता, एक नया वेरिएबल, एक नेट आ जाता, एक ये आ जाता, एक ये आ जाता, तीन वेलोसिटी चल पड़ती, तो गिवन करना पड़ेगा वेलोसिटी जो है, जो सॉल्व कर रहा था तो मैंने देखा वी नॉट है, तो जब इसे सॉल्व किया वन प्लस कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा आया, इसे सॉल्व करके ये टर्म आ गई मेरे पास, तो नेट वेलोसिटी आ गई मेरे पास। लेकिन मेरे को जो ग्राफ प्लॉट करना है वो वी का नहीं करना, मुझे वी का शायद स्क्वायर का करना है, तो मैं इन दोनों का क्या करूँगा? स्क्वायर करूँगा। मैं जैसे ही इन्हें स्क्वायर करूँगा तो मुझे एक बात समझ में आती है कि कॉस स्क्वायर का फंक्शन बनेगा। रूल आउट करो कॉस स्क्वायर कौन सा उड़ेगा ग्राफ में से, पहले तो कॉस स्क्वायर का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ये तो हो ही नहीं सकता यार, ये किसी टाइम पे जीरो भी तो होगा कॉस फंक्शन 90 डिग्री पे जैसे भी होगा, ये नहीं हो सकता। बाकी तो मेरे को फिर भी थोड़े बहुत देखे जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो हो भी सकता है। अब ना सारी गेम जो चेंज करेगी वो टाइम चेंज करेगा, ये देखो ये टाइम का क्या खेल है इसको समझना पड़ेगा। देखो रोलिंग के अंदर मैंने अपना डायग्राम ऐसा बनाया, मैंने इसको ऐसे इवेल्युएट किया, रोलिंग में ये मान लो पी पॉइंट टॉप पे है, मेरे क्वेश्चन में जब पी पॉइंट टॉप पे होगा आप चेक करो थीटा मेरा पहले डायग्राम में वर्टिकल के साथ है तो थीटा शुड बी जीरो। ये देखो मेरे डायग्राम में इसमें थीटा जब जीरो होगा तो पॉइंट पी कहाँ पर आ जाएगा? टॉप पे, और थीटा 180 होगा तो कहाँ पर आ जाएगा? बॉटम पे, ठीक है ना? तो एक टॉप पे और बॉटम पे, ठीक। तो आप चेक कर सकते हो इसमें कि मैंने क्या किया, एट थीटा इज इक्वल टू जीरो जीरो, तो जब मैंने यहाँ पर जीरो पुट किया तो कॉस जीरो क्या होता है? वन, तो मेरा आंसर क्या आ गया? टू वी नॉट। हाँ सही है, प्योर रोलिंग में टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी इज टू वी नॉट, राइट। और ऐसे ही बॉटम पे, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा? 180, तो 180 का मतलब 180 बाई टू 90, कॉस 90 जीरो। हाँ सही है, इसका मतलब जो मैंने गिवन करवाया बिल्कुल सही करवाया, मैच कर रहे हैं आप, ठीक। पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? अब टाइम का खेल देखो, प्योर रोलिंग में जब ये पी पार्टिकल यहाँ से यहाँ आता है तो डिस्टेंस कवर कितना हो जाता है? 2πr। पी पॉइंट जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगा डिस्टेंस क्या होगा? πr। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी नॉट है तो बॉटम पे आने का टाइम क्या होगा? πr बाई वी नॉट, डिस्टेंस बाय स्पीड, सेंटर ऑफ मास को कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना? और यहाँ से यहाँ आने का टाइम क्या होगा? 2πr बाई वी नॉट, मतलब सेंटर ऑफ मास जब यहाँ से यहाँ आ गया तो पी पार्टिकल घूम के टॉप टू टॉप आ गया, ठीक है यहाँ तक? तो टॉप आने का मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसमें? 2v0, और बॉटम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। ग्राफ में चलते हैं वापस। पहली बात तो इसका ग्राफ इसलिए बी है क्योंकि ये टाइम, देखो ये तो मेल ही नहीं खाता, 3/2 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैक्सिमम हो जाएगा, ये तो टाइम के वैल्यूज ही गलत शो कर रहा है। तो मेरे पास अब या तो ये ग्राफ बचता है या ये ग्राफ बचता है। इस ग्राफ में स्क्वायर निकालना है और हमारे पास 2v0 का स्क्वायर क्या था? 4v0 स्क्वायर। ये भी रूल आउट हो गया, आंसर आ गया, ठीक। तो काफ़ी ऑप्शंस इकट्ठी मैच करनी पड़ेंगी, तो समझ में आ रहा है लेकिन यहाँ तक? हाँ, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना?
कह रहा है मैथमेटिकल करने की जरूरत क्या थी, हमें पता ही है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे 2v0 होती है, बॉटम पे 0 होती है, और मुझे वेलोसिटी का स्क्वायर पूछा, तो 4v0 स्क्वायर तो पक्का बनेगा ही बनेगा, रास्ते में मेरे को लेना देना नहीं। बट तुम्हें कैसे पता लगे, वो तो चांस की बात है, उसने ग्राफ कॉस स्क्वायर जैसे बना दिए, बट क्या पता वो बीच में लीनियर लूनियर बना देता है एक आध ग्राफ, तो फिर तुम कन्फ्यूज हो जाते कि लीनियर बनेगा या कॉस स्क्वायर बनेगा। तो इसलिए सॉल्व करना तो आना ही चाहिए, पर अब तो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अब तो तुम्हें पता लग ही चुका है कि कॉस स्क्वायर फंक्शन ही बनता है बाय प्रैक्टिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम वेरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू 2t इज अप्लाइड ऑन अ स्पूल एज शोन, स्पूल अंदर से खाली है और रेडियस आर और 2r है, और एक फोर्स 2t अप्लाई की है, टाइम के साथ फोर्स इंक्रीज हो रही है राइट की तरफ, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्पूल एट टाइम t अबाउट द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, एंगुलर मोमेंटम निकालना है एट बॉटम मोस्ट पॉइंट निकालना है, टॉर्क जनरेट कौन कर रहा है, फोर्स F, और ये अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट है तो डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक 2r, तो टॉर्क क्या है F इंटू 2r, फोर्स किसके इक्वल है 2t, तो 2t इंटू 2r 4rt, टॉर्क क्या होता है dl बाई dt, dl क्या होता है टॉर्क dt, मुझे क्या निकालना है L निकालना है, टॉर्क टाइम के साथ चेंज हो रहा है पुट किया इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके मेरे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ गई जो मुझे निकाल गया, सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है ये, किसके अंदर बस पी पार्टिकल आपको कुछ गिवन है और वेलोसिटी ऑफ पी पार्टिकल किसी इंस्टेंट में निकालनी है, तो पी पार्टिकल का अगर डायग्राम बड़ा करके बनाए तो इसका रेडियस सेंटर से स्मॉल आर है और इस आर के टेंजेंशियल होगी इसकी पार्टिकल की जाने की वेलोसिटी, क्योंकि रोटेशनल मोशन में कोई भी पार्टिकल होगा वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी, चाहे ये पार्टिकल है चाहे ये है चाहे ये है चाहे ये है, तो आर के साथ परपेंडिकुलर आर ओमेगा, आर ओमेगा में क्योंकि इसका रेडियस आर है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, आर ओमेगा के दो कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे, आर ओमेगा साइन थीटा, उल्टा ले लिया नहीं, अच्छा ये थीटा सॉरी, आर ओमेगा कॉस थीटा और आर ओमेगा साइन थीटा, तो ये बेसिकली ट्रांसलेट भी कर रहा है विद सम वेलोसिटी ऑफ वी, और अगर ये ट्रांसलेट कर रहा है तो उस केस में क्योंकि विदाउट स्लिपिंग बोला उसने रोल कर रहा है बेसिकली, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी इसमें क्या होगी आर ओमेगा, लेकिन वो स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर ओमेगा, सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद कैपिटल आर ओमेगा, दिस पार्टिकल इज मूविंग इन स्मॉल आर ओमेगा। तो अब आगे जाने की नेट वेलोसिटी क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की कैपिटल आर ओमेगा तो होगी होगी एक्स एक्सिस के अलावा ट्रांसलेशन की वजह से, और रोटेशनल का कंपोनेंट क्या हो जाएगा छोटा आर ओमेगा साइन थीटा आई कैप, और वाई एक्सिस में तो एक ही कंपोनेंट दिख रहा है मुझे आर छोटा आर ओमेगा कॉस थीटा माइनस जे कैप, ऑप्शन मार्क कर लेना। ठीक है ना यहाँ तक, तो एक्स एक्सिस में तो ट्रांसलेशन मोशन भी है रोटेशन भी है, वाई एक्सिस में ओनली रोटेशन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स पढ़ना,
ओके तो ये समझ में आ गया, इजी है ये। तो इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं है, टॉर्क जनरेट हो रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो ये एच आई आर है तो एच माइनस आर है, तो एफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा, तो यहाँ से अल्फा आ गया, ठीक अल्फा की वैल्यू आ गई। और फिर नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास के लिए फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। और प्योर रोलिंग के लिए एक्सेलेरेशन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर टाइम्स अल्फा, तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पुट करो, अल्फा पुट करो, यहाँ से आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्या ऑप्शन इसकी, स्फीयर विल रोल विदाउट स्लिपिंग फॉर एच इज लेस देन 2 आर एंड ग्रेटर देन 1.4 आर। पर हमारे तो प्योर कंडीशन आई है प्योर रोलिंग की, वो एग्जैक्टली 1.4 आर है, तो किसी और पॉइंट पे करोगे तो शायद प्योर रोलिंग नहीं होगी, एक ही कंडीशन आ रही है ना, ग्रेटर देन की कंडीशन नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ट्रिक समझ में आ गया सेंटर ऑफ मास का क्या है। देखो इसमें ये मेन पॉइंट है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर अबाउट एक्स इज ए बी पैरेलल टू द डायमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r/4 फ्रॉम द डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट। ए बी के अबाउट आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो ये डायमीटर है एक्स एक्स डैश, तो डायमीटर के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें अगर मालूम है तो हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से आंसर निकाल लेंगे, जो कि गलत है। मतलब नॉर्मली यही लोग करते हैं, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी तो ठीक चल रहा था, इसलिए गलत है क्योंकि थ्योरम कहती है कि एक एक्सिस कहाँ से पास करना चाहिए, सेंटर ऑफ मास में से, और ये सेंटर ऑफ मास में से पास नहीं कर रहा। तो अब याद करो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर एक हेमिस्फेयर है उसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर होता है, 3r/8 फ्रॉम बॉटम। ये वो एक शॉर्ट एक फॉर्मूले की लिस्ट दी थी सेंटर ऑफ मास में, एडवांस वो लेक्चर भी आया था यूट्यूब पे, जब हाइट्स कोन की का क्या होती, मैंने बोला था क्वेश्चन आते हैं, तो ये सीधा फॉर्मूला लग गया यहाँ से। तो अब हमें ये डिस्टेंस पता लग गया आधा आधा, 3r/8 हो गया, ताकि टोटल 3r/4 है। अब हम पहले सेंटर ऑफ मास का आंसर निकालेंगे, तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए एक्स या एक्स एक्स डैश की वैल्यू जो होगी वो सेंटर ऑफ मास के साथ एसोसिएटेड होगी, सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो भी होगा, और इसके साथ एक्स एक्स डैश पैरेलल है, तो एक्स एक्स डैश का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का प्लस एम इंटू 3r/8 का होल स्क्वायर। अब एक्स एक्स डैश के लिए याद करना पड़ेगा कि हेमिस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डायमीटर के लॉन्ग एग्जैक्टली स्फीयर जितना होता है, 2/5 mr², ये याद ही करना है, नोट लिख लेना, ये रिमेंबर पॉइंट टू रिमेंबर। तो आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो अब मेरे पास सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, मुझे किसका निकालना है, मुझे ए बी का निकालना है, फिर से थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो ए बी के लॉन्ग क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पुट होके यहाँ से कुछ आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो वहाँ से इक्वेट करके एम और एम कैंसिल हो जाएगा, वी विल कैलकुलेट रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक, नेक्स्ट है, इन बोथ दी केसेस अगर कोई डिस्क या कोई भी बॉडी ऊपर से रोल करती हुई आ रही है, तो आपको बताना है कि इस केस में द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इन रीच ऑन रीचिंग द बॉटम किस में ज्यादा किस में कम है, सेकंड में कम है फर्स्ट में ज्यादा, ऐसा क्यों। हाँ, पहले केस में फ्रिक्शन, आपने बॉल को रखा, वो रोलिंग में हेल्प कर रही है फ्रिक्शन, तो गोल 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 घूमेगी, घूमती घूमती मतलब अपनी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ाएगी, फिर फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी, उसी वेलोसिटी से वो आगे भागती जाएगी, उल्टा जी साइन थीटा और उसका एक्सेलरेट करवाएगी। अब दूसरा केस ले लो, दूसरे केस में वो फटाफट नीचे आएगी, स्लिप करती हुई नीचे आएगी, और एकदम क्या जाएगी, फ्रिक्शन, कुछ देर के लिए वो घिसटती हुई जाएगी, फ्रिक्शन उसकी एनर्जी को खत्म करेगी, कम करेगी, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी कम सेकेंड केस में होगी। ठीक, नेक्स्ट है, एक प्लैंक है, प्लैंक किसके ऊपर है, इस प्लेस में हॉलो सिलेंडर सी विच रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर, नो स्लिपिंग इज देयर एट एनी सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, बोथ प्लैंक एंड सिलेंडर हैव द सेम मास एम, मास सेम है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास द सिलेंडर इज वी नॉट, क्वेश्चन में गिवन है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैंक टू दैट ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू व्हाट। देखो जो तो पहले तो याद करना है, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है, mr² होता है। तो जो सिलेंडर है वो उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है और वो रोटेट भी कर रहा है, तो टोटल एनर्जी
सेंट्रा मास की वजह से, ट्रांसलेशन की वजह से हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और रोटेट की वजह से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई मुझे पता है एम आर स्क्वायर होता है, और ओमेगा क्या होता है वी नॉट बाय आर, या सीधा लगा लेना हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो भी आंसर आएगा। एक आंसर आ गया सिलेंडर का। लेकिन जो प्लैंक है, प्लैंक कोई रोटेट थोड़ा ना कर रहा है, प्लैंक क्या कर रहा है, सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है। तो प्लैंक की वेलोसिटी वी पी, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्लैंक की वेलोसिटी क्या होगी, टू वी नॉट, टू वी नॉट। तो अब इन्हें डिवाइड कर लेना काइनेटिक एनर्जी की रेशियो से। तो नेक्स्ट है, स्मॉल ब्लॉक इज शॉट इन टू द एयर, मतलब ये चार केसेस गिवन है आपको, ये बताना है एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक द नॉर्मल रिएक्शन इज मैक्सिमम इन विच केस। हाईएस्ट पॉइंट पे डायग्राम क्या बनेगा, वेट बॉडी का कहाँ करेगा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन भी कहाँ हो जाएगा नीचे, तो ये दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करेंगी, सेंट्रीपेटल। ठीक है, सेंट्रीपेटल। तो इसमें जिसका रेडियस कम होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी, जिसका रेडियस कम होगा उसकी फ्रैक्शन ज़्यादा होगी, नॉर्मल रिएक्शन उसका ज़्यादा होगा। सबसे कम रेडियस, वैसे तो बेकार बेकार डायग्राम है चारों के चारों, सबसे कम वो कह रहा है इसमें है, तो ये आंसर है। कैसे है यार ये पता नहीं, मतलब जो भी अंदाजे से डायग्राम बना रखा है, ठीक, मतलब बहुत सिमेट्री भी नहीं, पेपर में तो ठीक आएगा पर इसमें थोड़ा जिस बुक से लिया है तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, रेडियस की गेम है सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। देखो इसमें एक स्फेयर है, और स्फेयर को आपने वी नॉट वेलोसिटी से, लीनियर वेलोसिटी वी नॉट और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से आपने इस फिगर में जैसे शोन है, आपने इसको आगे की तरफ मूव करवाया। फॉर स्फेयर टू कम टू रेस्ट आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस टू द राइट, वी हैव बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल सीजेस, बंद हो जाती है, रुक ही जाता है वो। ये कुछ कुछ क्वेश्चन वैसा नहीं है जैसे कोई टायर से खेल रहा है, टायर वो जो बच्चे खेल, टायर को पकड़ा उसको ऐसे करने की बजाय ना ऐसे, तो जब हम ऐसे करते हैं तो उसको देते हैं रोलिंग है, मतलब रोटेट करवा के आगे भेजते हैं, तो सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है घूमता हुआ, वो थोड़ी देर चलता है फिर रुक जाता है। सेम केस है, फ्रिक्शन रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रही है। तो इसमें सबसे पहले ट्रांसलेशन मोशन में वो घिसटता हुआ जाएगा, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट करेगी, प्रोवाइड रिटार्डेशन, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड कम हो जाएगी, तो एफ इज माइनस एम, रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन आ गई।
कितनी देर में मोशन सीज हो जाएगी टी टाइम में, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में फाइनल जीरो, इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वी नॉट है, टाइम आ गया। फिर रोटेशन की बात करते हैं, रोटेशन में वो घूम तो रहा ही था, अब कौन उसको हेल्प कर रहा है घूमने में, टॉर्क फ्रिक्शन करेगा और तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये इक्वेट कर दिया और स्फेयर ये जो भी ये बॉडी है इसके लिए 2/5 एम आर स्क्वायर के हिसाब से रिटार्डेशन, क्योंकि अल्फा भी, क्योंकि अल्फा तो है, प्रॉब्लम है कि इसमें ओमेगा भी बढ़ नहीं रहा, ओमेगा इसमें कम हो रहा है, रिटार्डिंग टॉर्क है बेसिकली ये, एक्सेलरेटिंग टॉर्क नहीं है। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, ऐसा कितनी देर में मोशन खत्म होगा उसका, रोटेशनल मोशन में ओमेगा जीरो कर देंगे तो टाइम आ गया, ये भी टाइम बराबर ही है, तो टाइम और टाइम को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके आंसर आ जाएगा। सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में F1 F2 दो फोर्सेस हैं एट एन एंगल ऑफ थीटा 1 थीटा 2, ये लग रहा है 90, बिल्कुल भी 90 नहीं है, प्लीज 90 नहीं है, ये एंगल थीटा 1 थीटा 2 पे R1 वेक्टर R2 वेक्टर है, तो इसमें टॉर्क क्या होगा, R क्रॉस F, डायरेक्शन देखना एक मिनट, R1 क्रॉस F1 आउटसाइड, R क्रॉस F इनसाइड, R क्रॉस F, चेक करके देखो, राइट हैंड से करते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करेंगे, R क्रॉस F बाहर, R क्रॉस F अंदर, सही। तो अब इस केस में एक आउटवर्ड एक इनवर्ड, अब नेट टॉर्क क्या होगा, बड़े में से छोटा माइनस करना है, मुझे तो पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा है इसमें देख के, अब ऑप्शन हिट एंड ट्रायल है, वो कह रहा है कि F1 की वैल्यू आउटसाइड है, F1 इसकी इनसाइड है, तो अगर पहला ऑप्शन देखें तो 2 वाले को इसने बड़ा माना है, इसको छोटा माना है, तो अगर इसने 2 वाले को बड़ा माना है तो नेट आंसर भी इनसाइड आना चाहिए था, लेकिन इसका क्या है आउट, ये नहीं हो सकता, इसने 1 को बड़ा माना है तो नेट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, फिर आउटसाइड, इसने इन कर दिया गलत हो गया, इसने 2 को बड़ा माना है तो नेट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, इनसाइड, इनसाइड ऐसी ऑप्शन हो गया, डायरेक्शन से चेक हो रहा है, वैल्यू से तो पता लग ही रहा है, ठीक। नेक्स्ट 15 पढ़ना, क्वेश्चन नंबर बी, जीरो होगा ही नहीं, हाँ हो सकता है, वैसे डी भी हो सकता है यार, क्या मे बी में तो हो सकता है, क्या आप तो दोनों बराबर हो यार, हो सकता है डी भी यार, हाँ यार इसमें देना चाहिए था कि नॉन जीरो है, डी भी हो सकता है मे बी, अगर वो ऑप्शंस जैसे क्वेश्चन आ जाता है मे बी करेक्ट ऑप्शन मार्क करो तो मे बी इट कैन बी करेक्ट ऑल्सो हो सकता है। नेक्स्ट देखो,
सो क्वेश्चन है कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, प्लैंक पी है, बताओ कितनी एक्सेलेरेशन से इसे पीछे पुल करें ताकि सेंटर सी ऑफ द सिलेंडर जो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, नीचे रोल कर रहा है, फिक्स पोजीशन पे रहे ड्यूरिंग इट्स मोशन, मतलब कि अपनी जगह से मूव ना करे। अगर वो मूव करना चाहता है तो आप प्लैंक को राइट मूव करवाएं कुछ इस तरीके से। तो कौन हेल्प करेगा कि ये प्लैंक के साथ जाए फ्रिक्शन, क्योंकि ये तो चाहेगा कि मैं तो नीचे चला जाऊं, कौन नीचे लेके जाएगा, एम जी साइन थीटा, कौन बचाएगा इसे, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नीचे एक्ट करेगी। तो सबसे पहली चीज, तो जो एफ है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एम जी साइन थीटा, तो नेट ट्रांसलेशन फोर्स जीरो हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा, नंबर वन। नंबर टू, अब रोटेशनल, क्योंकि वो घूम भी रहा है ऑब्वियसली, तो घूम रहा है तो इस केस में क्या होगा, आर एल्फा इज इक्वल टू एस, आर एफ इज इक्वल टू आई एल्फा, तो यहाँ से एल्फा आ गया और ए जो होता है वो आर एल्फा होता है, तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको ए निकालना है बेसिकली प्लैंक का, तो ए कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। और ए इसके लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, जो प्लैंक है वो इस सिलेंडर के लिए या स्फीयर के लिए टेंजेंशियल है, तो यू कैन राइट ए इज इक्वल टू आर एल्फा। तो इस टाइप से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। A119, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं A119 का प्रिंट आउट लें प्लीज। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, अ रोटेटिंग डिस्क मूव्स इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, फाइंड इक्वेशन ऑफ वाई डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इफ एट द इनिशियल मोमेंट द सेंटर सी ऑफ अ डिस्क वाज अलोकेटेड एट पॉइंट ओ,
तो इनिशियली डिस्क पहले कहाँ पर थी, यहाँ पर थी, अब थोड़ी देर में सेंटर से राइट की तरफ चला गया, विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी जाता जा रहा है, वाइल द डिस्क स्टार्टेड रोटेटिंग काउंटर क्लॉक वाइज विद अ कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सलेशन एल्फा के साथ वो घूमती जा रही है, एज्यूमिंग या द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी विल बी जीरो। मतलब ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि वो कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का पॉइंट आपको बताना है, रादर वाई की इक्वेशन बतानी है और वाई और एक्स का रिलेशन बताना है, इसमें क्या होगा। जो आईओआर होता है वो हमेशा रेस्ट पे होता है, मतलब वाई एक्सिस में उसकी मोशन नहीं होगी, क्योंकि एक्स में तो हो सकती है पूरा का पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, वाई में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आईओआर मान लो इस पॉइंट पर है, कहीं पर भी ले लो, तो अगर आईओआर मान लो इस पॉइंट पर है, जहां मर्जी ले लो अगर, तो उस केस में क्या होगा, आईओआर अगर इस पॉइंट पे है तो ये इसी एक्सिस पे रहेगा, ये तो है नहीं कि घूमते हुए डिस्क के अंदर वो यहाँ प्लेस हो गया, यहाँ प्लेस हो गया, वो रहेगा यहीं पर, ठीक। हाँ, एक्स एक्सिस में इसकी डायरेक्शन, इसकी मोशन चलती जाएगी। तो मान लो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट वहाँ पर वाई है, तो इस पॉइंट की घूमने की, और मान लो किसी भी इंस्टेंट पर ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा गिवन है, तो आर ओमेगा से पीछे की तरफ टेंजेंशियल वेलोसिटी वाई ओमेगा, और ट्रांसलेशन मोशन में वो डिस्क मूव करती जा रही है विद अ कांस्टेंट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी, क्वेश्चन में गिवन है वो वी से मूव कर रहा है और रोटेशन की वजह से वाई ओमेगा हो जाएगा। लेकिन इसकी मोशन, इसकी जो मोशन है ना, वो लेफ्ट की तरफ होगी ना वो राइट की तरफ होगी, वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। तो इसलिए एक तो ये इक्वेशन है कि वाई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वाई ओमेगा से एक तो वाई की वैल्यू आती है, वाई कोऑर्डिनेट आता है। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, टी टाइम में मान लो इससे पोजीशन चेंज की, एक्स इज इक्वल टू वी टी, तो कितने टाइम में पोजीशन चेंज की, एक्स बाई वी, और क्योंकि इसमें एल्फा गिवन है तो ओमेगा पहले इसमें क्या था, जीरो था और रेस्ट से चली थी एक डिस्क, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, तो ओमेगा इस इंस्टेंट पर क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो ओमेगा आपने एक्स के फॉर्म में निकाल लिया, आपने वाई को ओमेगा की फॉर्म में निकाल लिया, ओमेगा को यहाँ पुट कर लो तो एक्स की फॉर्म में इक्वेशन आ गई। तो ऐसा कुछ इक्वेशन आपको मार्क करनी है इसमें, राइट। तो मतलब रिलेशन निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का, पॉइंट तो यूज भी नहीं हो रहा है इसमें, बस यही है एक इमेजिनरी पॉइंट कि वाई एक्सिस में वाई ओमेगा और वी हमेशा एक ही इक्वल रहेंगे, दैट्स इट। तो यहाँ से आंसर आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये कैलकुलस से किया हुआ, नहीं इसका आंसर नहीं आया, तो एनर्जी से इसका आंसर आया। कैसे? यूनिफॉर्म रॉड जिसकी लेंथ एल है और आप देख पा रहे हो किसकी वेलोसिटी इस एंड की वी है और इस एंड की वी भी है, लेंथ एल बाई टू, एल बाई टू, और इसका सेंटर है, इसका आईओआर क्या होगा? अगर जिन्होंने आईओआर का लेक्चर सुना हुआ है तो इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करेंगे, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहां ये मिलेंगे वो इसका आईओआर होगा। तो और ये डिस्टेंस क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल की तरह बन जाएगा। अगर ये एल है तो ऑब्वियसली ये भी एल ही होने वाला है, बस मिट्री है देखो कितने इसमें, तो ये एल है तो ये एल हो जाएगा। तो ये बेसिकली आर जो है वो एल बाई टू के इक्वल देखा जाएगा, आर इज इक्वल टू एल बाई टू। तो अब इस केस में हाफ द ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर सी क्या होगा इसमें? तो अगर ये थीटा है तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, एक मिनट के लिए, ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस बाई एल बाई टू, तो ये क्या आ जाएगा, एल बाई टू साइन थीटा। ऐसी एक्स कोऑर्डिनेट में ये ले लो ना, एक्स कॉस थीटा इज एक्स बाई एल बाई टू, तो एक्स का कोऑर्डिनेट एल बाई टू कॉस थीटा। तो इस इंस्टेंट पर सेंटर सी के दो कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। अब मुझे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इसमें डिक्रीज होगी जैसे जैसे रॉड नीचे आ रही है और वैसे वैसे रॉड घूमती भी जा रही है, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, पहले ये रॉड की जो हाइट थी वो जब पूरी की पूरी खड़ी हुई थी तो एम जी इन टू एल बाई टू, तो इसके अंदर यहां पे देखते हैं पहले ये वर्टिकल थी, वर्टिकल का मतलब सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या थी, एल बाई टू थी। अब इसकी हाइट कितनी है, एल बाई टू साइन थीटा, तो कितनी डिक्रीज हुई होगी, हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आया ना एम जी एल बाई टू माइनस एम जी एल बाई टू साइन थीटा, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में काम करना है आपने, एक ही फॉर्मूला लगाना है आपने, ये नहीं कहना कि मैं कोने का पॉइंट भी लूंगा या मैं सेंटर ऑफ कुछ नहीं लूंगा। जब आपने आईओआर वर्ड यूज कर दिया तो जिन्होंने लेक्चर सुना हुआ है वो सिर्फ एक ही एनर्जी लेते हैं उस केस में, सिर्फ आईओआर, कोई ट्रांसलेशन नहीं लेनी, कुछ नहीं लेनी, तो उस केस में सिर्फ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये फायदा होता है आईओआर को सॉल्व करने का, नहीं तो फिर लेते रहो दो कोने की अलग अलग वेलोसिटीज। तो इस केस में आईओआर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आईओआर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा, इसका
सेंटर के अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 12 तो है ही है, प्लस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से एम आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो आई ओ आर के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया जो कि सॉल्व करके इसके इक्वल आ गया। तो इसकी वैल्यू को आपने आई ओ आर के अंदर पुट किया और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो जब भी रॉड नीचे गिरेगी इसका मतलब क्या हुआ, वी विल अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, कैसे भी गिरती हो। और कमाल की बात है 2017 का मैं पेपर सॉल्व करके लाया हूँ मैं, ऐसा ही है, मॉडिफाइड है, रॉड गिर रही है नीचे और आप देखना वो जो शीट दी आखिरी वाली उसमें रॉड गिरती हुई दिखा रही है, ठीक। तो इससे आसान है, आसान मतलब ज्योमेट्री। इसी का अगला पार्ट है यार, ये तो थोड़ा मुश्किल है। फॉर द अबव प्रॉब्लम फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोअर एंड एट विच द रॉड नो लॉन्गर टचेज द वर्टिकल वॉल। जब रॉड नीचे गिर गई, रास्ते में कहीं नीचे गिर गई होगी पूरी की पूरी, तो उसका डिस्टेंस वॉल से कितना होगा एक एंड का, ये आपको निकालना है। और जब उसको टच नहीं कर रही, तो स्टार्ट वहीं से करते हैं। ओमेगा हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया, ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब ओमेगा स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट अगर किया जाए तो 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू 3g बाई एल कॉन्स्टेंट है, इसकी डिफ्रेंशिएशन 0 और साइन थीटा की कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है, ओमेगा ओमेगा क्या हो गया कैंसिल, डी थीटा डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा एल्फा। तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास किसकी वैल्यू आ गई एल्फा। तो जब ये रॉड नीचे गिर रही थी, अभी गिर रही है तो गिरते गिरते उसके बाद अल्फा होगा, तो किसी भी इंस्टेंट पे अल्फा इसके इक्वल होगा एंगल के साथ जो चेंज हो रहा है, ठीक। अल्फा आ गया, अब इस केस में अल्फा की वैल्यू तो आ गई, एक्स क्या था एल बाई टू कॉस थीटा, अभी थोड़ी देर पहले कोऑर्डिनेट लिखा था मैंने एक्स कोऑर्डिनेट का, जब ये चली थी तो एल बाई टू कॉस थीटा था। एक काम करते हैं, इसको दो बार अगर डिफ्रेंशिएट करें तो डी एक्स बाई डी टी की ये वैल्यू आएगी और कॉस की डिफ्रेंशिएशन साइन डी थीटा बाई डी टी। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर का मतलब एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन आ जाएगी इसकी, तो इज इक्वल टू माइनस एल बाई टू यू बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी, वी बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू। तो इसके अंदर जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा को कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। इसमें और इसमें फर्क होता है, ये डबल डिफरेंशिएशन है, दो बार डिफरेंशिएशन, और ये एक सिंगल डिफरेंशिएशन का होल। वैसे मैथ्स में कैलकुलेशन जब करोगे तो ये चीज़ें सिखाएंगे आपको। तो ये ओमेगा का स्क्वायर हो गया और यहाँ से डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर एल्फा होता है इसमें, तो ए एक्स आ गया। अब जैसी क्या होगा, कॉन्टैक्ट लूज होगा दीवार से, तो दीवार की फोर्स जीरो हो जाएगी और दीवार की फोर्स जीरो होते ही एक्सेलरेशन उसी इंस्टेंट पर ए एक्स की वैल्यू अब जीरो हो जाएगी। तो ए एक्स को जीरो पुट किया, सारी वैल्यू को जीरो पुट करके ओमेगा की वैल्यू को पुट करके एंगल आएगा, इतने एंगल पर ए एक्स जीरो होगा, दीवार का कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। तो इतने एंगल पर दीवार का कॉन्टैक्ट छूटेगा और जब पूरी की पूरी रॉड ग्राउंड पे बिछी होगी तो उस केस में जो कोऑर्डिनेट होगा वो एल बाई टू कॉस थीटा की बजाय क्या चेंज हो जाएगा एल कॉस थीटा। टोटल लेंथ ये देखो, जो कोऑर्डिनेट है वो क्या चल रहा है L बाई टू कॉस थीटा। पूरी की पूरी रॉड जब ज़मीन पे आ जाएगी, ग्राउंड पे आ जाएगी, और आपको ये कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा जो कि ये L, ये पूरे का पूरा कितना है L है और ये कितना है थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई L, तो पूरे का पूरा क्या बनेगा L कॉस थीटा, मतलब ये थीटा की फॉर्म में L कॉस थीटा टोटल डिस्टेंस आएगा। तो जब पूरा डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो हमें वो एंगल पता लग गया, तो उसमें फिर हमने वो एल कॉस थीटा की वैल्यू को पुट किया, हमारे पास आंसर आएगा। मुश्किल है, आउट ऑफ वो है, थोड़ा देखे भी नहीं मैंने इस टाइप के क्वेश्चन, किसी असाइनमेंट से लिया हुआ है पहला पार्ट तो, लेकिन आया हुआ है दूसरा तो मुझे पता नहीं, पहला तो मैंने देखा है अभी मैं सॉल्व करके लाया थे। और इस टाइप की क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलस के बिना नहीं हो सकते, ज़्यादा बड़ा है। कर लो तो ओमेगा से क्या होगा, हमें ए एक्स निकालना था ना, ए एक्स मैं अल्फा निकालना चाहता था ना, मैंने क्या किया इसलिए डबल डिफरेंशिएट किया, ये लो मेरे पास ए एक्स चाहिए था लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे क्या आ गया अल्फा आ गया, ठीक अल्फा आ गया। अल्फा मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है लेफ्ट साइड पे, वो देखो उस तरफ से
उस अल्फा को यहां पुट करके हमें अल्फा तो पता ही लग चुका है, तो इसलिए डबल डिफरेंशिएशन से अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स तो वैसे जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा ही बचेंगे, तो एंगल निकालना इजी हो जाएगा। बाकी मैंने कैलकुलस से एक बार शुरू किया था, तो अगर मैं कैलकुलस से एल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूं, मैंने पूरा नहीं किया बट मुझे लगता है कि शायद वहां से भी कुछ ना कुछ आना चाहिए, पर ओमेगा की फॉर्म में ला नहीं पाऊंगा, देखना पड़ेगा ट्राई करके एक बार, क्योंकि वी एक्स और वी वाई को निकाला जा सकता है थ्रू कैलकुलस, ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा के डिफरेंशिएट करके। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, दो मिनट छोड़ते हैं इसको, एक बार देखते हैं, ये तो आसान क्वेश्चन है। हुप का मतलब रिंग रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद इट्स सेंटर ऑफ मास हैविंग अ स्पीड ऑफ वी नॉट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल पी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द लूप। तो आपको पी की वेलोसिटी निकालनी है, तो ये वेलोसिटी वी नॉट है, ये आर है, ये आर है, ये छोटा आर है, ये थीटा है, ये साइड बराबर है, ये एक्स और एक्स है, 2x plus theta is equal to 180, तो x is 90 minus theta by 2 solve करके आ जाएगा, और ये IOR है जिसके अबाउट रोटेशन हो रही है, और इसके अबाउट P पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो R टाइम्स ओमेगा होगी, ये सॉरी IOR से डिस्टेंस R है, इसके परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट होगा, IOR का यही कॉन्सेप्ट है ना, जो एक्सिस होता है उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेनी होती है, छोटा R इंटू ओमेगा आएगा। तब इस केस में मुझे निकालना क्या है, मुझे इस केस में जो वैल्यू निकालनी है, चेक करना पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है क्या, हाँ तो स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें मैंने लैमीज थ्योरम की तरह एक मैथ्स का रिजल्ट है, ट्रिग्नोमेट्री में करते हो ऐसा रिजल्ट, आर बाय साइन थीटा, स्मॉल आर बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाय 2, ट्राइंगल के रेशियोज और एंगल का रिलेशन होता है, क्या हुआ है ऐसा कुछ, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ साइंस, हाँ देख लेना, नहीं तो करवा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉ ऑफ साइंस में ट्राइंगल, जैसे लैमीज थ्योरम काम वो फोर्स में करती है, ये लॉ ऑफ साइंस ट्राइंगल की रेशियो ऐसे नहीं कर सकती है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई, और यहाँ से साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा बाई 2, छोटा और बड़े आर का रिलेशन आ जाएगा, साइन को लिखेंगे 2 साइन कॉस, तो यहाँ से छोटा आर आ गया, छोटा आर आ गया, तो मुझे क्या निकालना है, पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, छोटा आर इंटू ओमेगा, छोटा आर की वैल्यू पता है, और इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी रोलिंग में, वी नॉट बाई आर रोल कर रही है बॉडी, तो वी नॉट बाय आर पुट करना पड़ेगा, ठीक वो रूल ध्यान से एक बार देख लेना। ठीक, नेक्स्ट है दी, एक रॉड है, ये रॉड है, और दी जो रॉड है उसकी लेंथ जो है एल है, इज गिवन टू वेलोसिटीज वी वन एंड वी टू एंड इन अपोजिट डायरेक्शंस एट राइट एंगल टू द लेंथ, ये रहा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम द एंड ए, कल किया था हमने कि अगर दो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज है तो आई ओ आर, और अगर ये वेलोसिटीज बराबर है फिर तो पक्की बात है आई ओ आर सेंटर में होगा, अगर नहीं है तो कुछ भी एक्स और एल माइनस एक्स पे होगा, पर ओमेगा की वैल्यू अबाउट आई ओ आर सेम रहेगी, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी वन बाई एक्स, ओमेगा इज इक्वल टू वी टू डिवाइडेड बाई एल माइनस एक्स, सॉल्व करके एक्स आ जाए, आई ओ आर की पोजिशन निकालना लास्ट टाइम सीखा था हमने, ठीक है ना। इसमें आपको ये बताना है ए बी सी की किसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसकी सबसे कम है, तो ये ध्यान से देखना, जो बी पार्टिकल है रोलिंग मोशन में, बी पार्टिकल की ट्रांसलेशन वी नॉट है, बी पार्टिकल की एक वेलोसिटी आर ओमेगा, मान लो इसका डिस्टेंस स्मॉल आर है, यहाँ से आर ओमेगा टेंजेंशियल होगी, आर ओमेगा टेंजेंशियल होगी, तो कुल मिला के दो वेलोसिटीज होंगी, एक ट्रांसलेशन एक रोटेशनल, और इनके बीच में एंगल क्या हो गया थीटा। अब अगर ये वाला पार्टिकल लेते हैं तो इसके पास वी नॉट है और आर ओमेगा पीछे की तरफ होगा टेंजेंशियल ऐसे, ठीक, तो और इनके बीच में एंगल ग्रेटर देन 90 होगा, और जो सेंटर सी है उसके बाद तो एक ही वेलोसिटी होगी वी नॉट, बात ही खत्म हो गई। तो अब मेरे को ये पता है कि नेट वेलोसिटी अगर निकालनी हो, इसका सम वेक्टर सम ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा, इसके अंदर एंगल थीटा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, थीटा लेस देन 90 है, इसके अंदर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो कम हो जाएगी वैल्यू, तो इसलिए रिजल्ट क्या जाएगा, बी पे वेलोसिटी बड़ी होगी किससे, सी से, और ऑब्वियसली ए जो बी की वेलोसिटी है वो सी से तो बड़ी होगी, मतलब वी नॉट से बड़ी होगी, तो बी की वेलोसिटी है वो वी नॉट से तो बड़ी होगी, वेक्टर सम है ना, तो बी की वेलोसिटी सबसे बड़ी होगी, फिर उसके बाद सेंटर सी की होगी, इसकी तो बिल्कुल ही कम होगी क्योंकि एंगल अगर ग्रेटर देन 90 है तो ये टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव, नेगेटिव होने की वजह से ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी वी नॉट से, क्लियर है यहाँ तक, आर से मैंने वो किया, आर से चेक कर लो,
नहीं, ये सही रूल है यार, गलती नहीं होगी इससे। वैसे तो मैंने ऐसे किया ना, आर की वैल्यू देख लो कितनी है, इसकी ज़्यादा इसकी कम है, उससे क्या फ़ायदा होगा, ज़्यादा कम से आर ओमेगा आ जाएगा। एक्चुअली तो वेक्टर सम है, मेथड को क्रॉस कर लो यार, ये वाले को इधर क्रॉस कर देना, वो राइट कर देना, बाद में गया क्रॉस करना भूल गया, पहले मैं आर देख रहा था, पर फिर याद आया रोलिंग भी तो हो रही है, वेक्टर सम होगा, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का वेक्टर सम है। राइट वाला मेथड को कैंसिल करके लेफ्ट वाले को ओके करना। इसमें डिस्क है, रेडियस गिवन है और ओमेगा गिवन है, लोएस्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट ओ है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड इंस्टेंटेनियस सेंटर एट दिस मोमेंट, ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड, अच्छा इसमें बेसिकली वो क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन रोटेशन ही पूछ रहा है। तो बेसिकली 4 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा है, रेडियस आपको पता है, अगर मैं यहाँ पर v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगाऊँ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर v इज इक्वल टू आर ओमेगा से आंसर क्या आ रहा है, 2, ट्रांसलेशन मोशन कितनी हो रही है 4, अगर ये प्योर रोलिंग होती तो 4, ये भी 4, आंसर 0 आना चाहिए था, नहीं हुई इसका मतलब, तो ये 4 है ये 2 है, तो नेट वेलोसिटी 2 है टूवर्ड राइट, तो इसका नया डायग्राम क्या बनेगा, तो एक्चुअल में डायग्राम ऐसा बन रहा है 4 एंड 2, और लास्ट टाइम किया था हमने कि अगर एक वेलोसिटी बड़ी और दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आई ओ आर जो होगा इनके बीच में नहीं होगा, कहीं नीचे होगा, ऐसा लगेगा जैसे ये दोनों इसके आसपास घूम रहे हैं। तो मान लो ये 0.2 रेडियस है और ये एक्स है, तो ओमेगा की वैल्यू इसके अबाउट सेम रहेगी, जो कि क्या होगी 4 अपॉन 0.2 प्लस x और 2 अपॉन x आ जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू को सेम करना आंसर आएगा।